everyone, how are you all? I hope you all are good. So now today we are going to start your class 6 science chapter 5 separation of substances explanation 3. And I want to say that this video is very 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 important and most important, you can say part 3. All the practical activities are there in this video, so please concentrately look at this video, part 3 of explanation, okay? See students, this is your third part of this chapter. So here, as you know, we talked about different methods of separation, right? Like threshing, winnowing, sieving, okay? So all the method we have done, hand picking and all. So now here, one more method, sedimentation, decantation and filtration. Okay, this method you can see in this picture, okay? And here, this topic is there in your textbook. Sedimentation, decantation and filtration. Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. आपको पता है कभी कभी बाकी के जो मेथड हैं ओके किसी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूजफुल नहीं होती हैं. लाइक हैंड पिकिंग, हाथों से आप किसी चीज़ को सेपरेट करते हो कि फ्रॉम द राइस ओके यू आर टेकिंग आउट लाइक स्टोन्स एंड ऑल एंड विनोइंग मेथड ऑल्सो यू आर यूजिंग बट वो आपकी यूजफुल नहीं होती है. तो फॉर एग्जाम्पल कि देर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. डू यू नो कि कभी कभी एग्जाम्पल के तौर पर कि लाइटर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत हल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक डस्ट ओके धूल मिट्टी जो होती है ओके सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस जो हम हैंड से हैंड पिकिंग से या विनोइंग मेथड से नहीं कर सकते हैं ओके. लाइक 5.5 फिगर में आपने देखा होगा कि वो लेडी जो है ओके लूप से जो सूप होता है उससे हस्क मटेरियल दूर कर रही है ओके. तो दैट इज़ कॉल्ड विनोइंग. 5.5 फिगर में आप देख सकते हो कि विनोइंग मेथड और कौन सी हैंड पिकिंग मेथड दोनों ही यूज़फुल नहीं होती हैं कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए. सो हाउ आर सच इम्प्योरिटी सेपरेट फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग. तो कैसे दूर की जाती है ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे कैसे दूर किया जाता है तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए. यह टॉपिक क्या है आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन राइट. तो टॉपिक अगर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन है एंड फिल्ट्रेशन है तो तीनों मेथड एज यू नो कि ये तीनों मेथड सेपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है राइट. तीनों मेथड सेपरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है. सो हियर कि राइस पल्सेज आर यूजअली वॉश. आपको पता है कि राइस एंड पल्सेज दालें हमेशा यूजअली वॉश की जाती हैं बिफोर कुकिंग ताकि वो जो बहुत लाइटर इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें दूर किया जाए. सपोज आपकी मम्मी अगर कोई पल्सेस दाल बना रही है या राइस बना रही है तो बिफोर कुकिंग शी ऑलवेज वॉशेज द राइस ऑलवेज वॉश करती होंगी. एंड व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल जो अगर आप पानी उसमें ओके ऐड करते हो वाटर ऐड करते हो तो क्या होता है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ सेपरेट हो जाती हैं. जब भी हम वाटर ऐड करते हैं पल्सेस में या राइस में बिफोर कुकिंग ओके जब हम वॉश करते हैं तो उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाती है सेपरेट हो जाती है अलग हो जाती है रिमूव हो जाती है. सो हियर दीज इम्प्योरिटीज़ गो इनटू वाटर सारी इम्प्योरिटीज़ पानी में अलग हो जाती है. नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल एज यू नो राइस और डस्ट ऑफकोर्स जब पानी में अगर हम ये सब चीज़ें डालेंगे राइट तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ क्या होगी दूर हो जाएगी और जो मेन चीज़ है जो आप वॉश कर रहे हो पल्सेस है या राइस है वो क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा. वाई ऐसा क्यों होता है कि वो बॉटम प्लेस पर जाके वेसल के बॉटम प्लेस पर जाकर ओके सेटल डाउन हो जाएगा. इसका रीज़न आई थिंक आपको पता है क्योंकि सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती है वेसल में क्यों सेटल हो जाती है इट मीन्स जो मेन चीज़ है वो क्यों सेटल हो जाती है और इम्प्योरिटीज़ क्यों ऊपर साइड रहती है. तो हैव यू सीन दैट द वेसल इन इज टिल्टेड टू पॉर आउट द डर्टी वाटर. आपने इस तरह का कभी देखा है. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ टेक सम राइस एंड ऐड सम वाटर आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि वेसल इट मीन द वेसल वॉट एवर थिंग्स यू आर टेकिंग ओके वो सारी सेटल डाउन हो जाती है नीचे बॉटम साइड में रह जाती है वेसल के और जो पानी होता है डर्टी वाटर वो ऊपर साइड रहता है. तो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स
आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट। जब कोई हैवियर कंपोनेंट्स इन्हें मिक्सचर में होता है वो क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है आफ्टर वाटर इज एडेड, पानी डालने के बाद। इट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन डेफिनेशन आई विल आस्क, प्लीज लर्न कैरफुली, ओके। इन जूम लेक्चर डेफिनेटली आई विल आस्क थ्री डेफिनेशंस, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स, जब कोई हैवियर कंपोनेंट्स उस मिक्सचर का सेटल हो जाता है नीचे साइड, आफ्टर वाटर इज एडेड, पानी ऐड करने के बाद, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन। ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन। तो व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट, जब वो पानी डस्ट के साथ होता है, इज रिमूव्ड, ओके। एंड इसे क्या कहा जाता है, डिकेंटेशन। 5.8 में हम लोग ये प्रोसेस देखेंगे एंड वन मोर वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू, टू डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो हियर आई विल एक्सप्लेन यू इन सेडिमेंटेशन, दैट वीडियो सीविंग मैथड एंड सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, एवरीथिंग, ओके। 5.8 फिगर में हम देखते हैं, सी 5.8 फिगर इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सेपरेशन टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाई सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका है मिक्सचर सॉइल का और वाटर का, ओके। सॉइल और वाटर का मिक्सचर दिखा एंड अनडिजॉल्व मटेरियल, मतलब सॉइल जो डिजॉल्व नहीं हुआ है। सॉइल डिजॉल्व नहीं होता, आप सबको पता है, राइट। सॉइल डिजॉल्व नहीं होता है पानी में, इसीलिए वो सेटल डाउन हो जाता है, तो क्योंकि हैवियर मटेरियल है पानी में डालने के बाद, तो वो ऑफकोर्स सेडिमेंटेशन जब करेंगे हम लोग देखेंगे तो सेटल हो जाएगा। उसी तरह वो मिक्सचर में हम लोग देख सकते हैं कि अनडिजॉल्व मटेरियल सॉइल वो अलग है और पानी उसको अलग किया जा रहा है, ठीक है। वाटर को अलग किया जा रहा है, वो सॉइल अलग है, तो यही आपकी सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड है, ठीक है। सो सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन मेथड अंडरस्टूड हियर, टू डिफाइंस आर देयर एंड यू हैव टू लर्न बोथ डिफाइन। फर्स्ट डिफाइन यहाँ से आता कि प्लीज लिसन केयरफुली कि व्हेन हैवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। Let us find a few, okay, let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. हम कुछ और substances find करते हैं जो sedimentation और decantation से, okay, इस method से use हो सकती है, हम लोग कुछ substance को separate कर सकते हैं। Suppose the same principle is used for separating, okay, यही principle use होता है, the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other, okay. जो same principle है used होता है for separating, okay, a mixture of two liquids. For mixture separating अलग होता है for a two liquids that do not mix with each other. It means यही principle किस में use होगा, हम किसी mixture को separate कर रहे हैं जिसमें two liquid हैं, दोनों ही liquid हैं, that do not mix. It means oil or water, example है ना, बहुत important, most important example oil and वाटर। तो वो दोनों अलग लिक्विड हैं और दोनों मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ। ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस से हम लोग ना वो उस मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। वो मिक्सचर ही है ना, ये ऑयल है, ओके, एंड दिस इज अ वाटर। तो ये दोनों जब मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद वो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड से ही क्या होगा, सेपरेट होगा। And if a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, तो they form two separate layer. अगर आप थोड़ी देर के लिए उस मिक्सचर को रख देते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो अलग हो जाएगा। यहाँ आपको ऑयल दिखेगा, नीचे वाटर होगा, ठीक है, वो लेयर बना लेगा ऑयल की, पूरी पूरी की पूरी वाटर पर लेयर बना लेगा। यू कैन ट्राई, पहले आप एक छोटे से ग्लास में पानी लो, ठीक है, उसमें 2 या 3 ड्रॉप्स ऑयल डालो, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट कि ऊपर साइड जो है वहाँ पर लेयर बन जाएगी, किसकी लेयर बन जाएगी, वहाँ पर लेयर बन जाएगी, ठीक है, ऑयल की। इट मीन्स यहाँ पर बोला है कि दोनों को थोड़े टाइम के लिए ऐसे लिक्विड्स को रख दो, तो डे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर, ओके, कैन देन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन, ठीक है, अंडरस्टूड। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी
separated by decantation, understood? जो components है that form the top layer, वो top layer पर होगा और separate हो जाएगा by decantation method से, अलग हो जाएगा अपने आप ही decantation method से अलग हो जाएगा. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. वापस हम solid and liquid की ये mixture को consider करके लेते हैं. तो after preparing tea, चाय बनाते हो, what do you do to remove the tea leaves? क्या करते हो उसको अलग करने के लिए? छाननी जो होती है उससे चाय को छानती हूँ ना. यूजअली वी यूज स्ट्रेनर, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेनर. ओके, जो छलनी होती है उसे रिमूव करती हूँ टी लीव्स एंड ट्राई डिकेंटेशन. इट हेल्प्स अ लिटिल, थोड़ा ठीक है. डिकेंटेशन मेथड भी इसमें हेल्प करता है. बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? क्या आप फिर भी कुछ लीव्स लेगो इन योर टी? नाउ पॉर द टी थ्रू अ, किससे पॉर करोगे? जैसे आप फर्स्ट चाय को छलनी से, स्ट्रेनर से आप छानते हो, ठीक है, रिमूव करते हो टी लीव्स एंड ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प अ लिटिल. बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स? फिर भी आपके कुछ लीव्स रह जाते हैं चाय में, तो आप क्या करने का उसको आपको पॉर, मतलब किसी और वेशल में आप पॉर करोगे. पॉर इन द सेंस ओके, उसे निकाल दोगे, मतलब उसके जो टी लीव्स हैं उसे निकाल दोगे, ठीक है. पॉरिंग करना, फ्लो उसके एंड आउट फ्लो करना, इट मीन्स उसे निकाल देना, अंडरस्टूड? पॉरिंग. सो विल सी हियर कि किस तरह से पॉरिंग करेंगे. सो नाउ हियर सी, किस में पॉरिंग करेंगे? स्ट्रेनर में. अगेन वापस उस स्ट्रेनर से, छलनी से छान कर उसमें पॉरिंग करेंगे. सो डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? ओके, ये क्या स्ट्रेनर में रह जाते हैं सारे लीव्स? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन, फिल्टर करना, किसी भी चीज़ को छानना उसे फिल्टर करना कहते हैं, ठीक है. किसी भी चीज़ को अगर हम लोग छानते हैं तो उसे फिल्टर करना कहते हैं. जैसे चाय है, ठीक है, तो अगर हम चाय को छलनी से छानते हैं तो वो फिल्टरेशन मेथड आता है. पानी को भी फिल्टर करके, आपको पता है पानी भी फिल्टर करके आता है आपके घर में, जिसे हम लोग फिल्टरेशन मेथड कहते हैं. कि फिल्टरेशन का इन द सेंस शॉर्टली मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ पासिंग अ लिक्विड और गैस थ्रू अ फिल्टर. कोई भी प्रोसेस जो यूज़ करते हो लिक्विड और गैस को पास करने की, दैट इज़ कॉल्ड फिल्टरेशन. ओके, एंड ये फिल्टरेशन में क्या होता है, देखो, पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, गैसेस, फ्लूइड आर रिमूव्ड बाय यूज ऑफ फिल्टर मीडियम. ओके, तो हियर इन सम प्रोसेस आर यूज टू प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स. ओके, ये सब चीज़ों का यूज़ होता है, है ना. लिसन, तो फिल्टरेशन का शॉर्ट आंसर अगर आपको बोलना है तो यही बोलो कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम लिक्विड. ओके, और लिक्विड में से देखो सॉलिड को, इट मीन्स सॉलिड है ना, टी लीव्स जो सॉलिड होते हैं उसमें से आप लिक्विड मटीरियल अलग कर रहे हो तो उसे फिल्टरेशन मैथड कहा जाता है. जैसे पानी में हम लोग कुछ जम्स होते हैं या कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़, उसे रिमूव करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फिल्टरेशन मेथड का यूज़ करते हैं. तो फिल्टरेशन के तीन टाइप है, देखो, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फिल्टरेशन. मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल फिल्टरेशन, ठीक है, ये सारे आपके लाइक मेथड है. सी नेक्स्ट, अंडरस्टूड दिस वन? 5.1 फिगर में आप देख सकते हो. ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है स्टूडेंट. सी सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, इसे कहते हैं फिल्टरेशन मेथड. क्या कहते हैं? फिल्टरेशन मेथड, ठीक है, यही आपका मेन चीज़ है कि फिल्टरेशन मेथड किसे कहते हैं. आपके 5.1 फिगर में क्लियरली दे रखा है दिस इज़ ए फिल्टरेशन मेथड. आई होप यू अंडरस्टूड फिल्टरेशन मेथड. सो विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन? बताओ कौन सा मेथड बहुत ईजी है और बहुत कन्वीनियंट है. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज़ बेटर, कौन सा बेटर है? फिल्टरेशन मेथड है ना, क्योंकि नाउ लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर डैट वी यूज. द डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? अभी तो आपको ये पूछा है कि कौन सी मेथड यूजफुल है चाय छानने के लिए, डिकेंटेशन या फिल्टरेशन? ओके, नो, फिल्टरेशन इज बेस्ट प्रोसेस, बिकॉज डिकेंटेशन में आप उस सॉलिड मटेरियल में से लिक्विड को अलग तो करोगे बट फिर भी आपका कुछ कुछ जो कंपोनेंट्स वो रह जाएंगे. अंडरस्टूड? सो फिल्टरेशन मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ओके सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी. हियर लेट अस नाउ कंसिडर, कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं दैट वी यूज. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक? ओके, हमेशा गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, हमेशा सेफ वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए. ओके, नाउ हमारे ड्रिंक जो करते हैं वो सेफ होना चाहिए. समटाइम्स वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स मे बी मडी,
ओके, कभी कभी ऐसा होता है जो वाटर है सप्लाई होता है तो टैप्ड मे बी मडी मिट्टी वाला पानी आता है आपके टैप में, ठीक है। तो द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर्स मे ऑल्सो बी मडी। जो हम लोग कहाँ से पॉन्ड तालाब और नदियों से पानी लेते हैं वो भी कभी कभी मिट्टी वाला होता है, मडी वाटर होता है ना, जिसे मडी वाटर कहते हैं, ठीक है। सो हियर के स्पेशली आफ्टर रेन्स, रेन के बाद तो आपको पता है कभी कभी हमारे टैप में मडी वाटर मिट्टी वाला पानी आ जाता है। तो लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ द सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कैन वी यूज, लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड, अगर हम कुछ मेथड यूज करें सेपरेशन टू रिमूव दैट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। मिट्टी आती तो ऑफकोर्स हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे सॉइल वाटर में से निकालने के लिए। तो एक्टिविटी 5 विल सी हियर, लिसन केयरफुली, ओके। दिस एक्टिविटी यू कैन डू क्योंकि अभी आपको इतने सारे डिजीज से बचना है और आपको खुद को भी सेव करना है और अपने पेरेंट्स को भी। सपोज आपके ग्रैंड मदर हैं, ग्रैंड फादर हैं या आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनको भी बता सकते हो कि उन्हें कितना क्लीन पानी पीना चाहिए, पानी क्लीन करने की प्रोसेस क्या है। आपके घर में कोई मडी वाटर आ रहा है, आपको तो पता चल जाएगा देखने से कि कितना गंदा पानी आ रहा है। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर, लेकिन आपके तो टैप में ही पानी आता है तो ज़रूरत नहीं है कि पॉन्ड और रिवर में जाने की, ओके। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल तो मिक्सड सम सॉइल ऑफ वाटर इन द ग्लास। अब अगर आपके ग्लास में ऑलरेडी टैप में से गंदा पानी आ रहा है तो आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज यू नो, ओके। सो लेट अस स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, खड़े रहो आप थोड़ी देर के लिए उस ग्लास में पानी रख के, ऑब्जर्व करो कि वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। पानी को ध्यान से देखो कि उसमें जो मडी वाटर है वो, जो मड है, जो मिट्टी है, वो जम जाती है कि नहीं, सेटल हो जाती है कि नहीं। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम, और वाटर कुछ जो सॉइल है वो पानी के अंदर जम जाती है कि नहीं। वाई, वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस, क्या बोलोगे उस प्रोसेस को। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर आपकी प्रोसेस में ऑटोमेटिकली पानी और सॉइल अलग हो जाते हैं उस मेथड को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन मेथड कहते हैं ना। हमने 5.8 फिगर में देखा था डिकेंटेशन मेथड, सी एवरीवन द मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर एंड दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, थोड़े देर के लिए रख दो तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड। सो इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, कैसा रहता है वो पानी देखना है। नाउ फिल्टर इट, अब उसको फिल्टर करो। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क, टी स्ट्रेनर वर्क करता है इस प्रोसेस में। ट्री स्ट्रेनर के लिए तो बड़े बड़े स्टोन्स एंड ये सब होते हैं, तो हम ये लोग कर सकते हैं, स्ट्रेनर का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मडी वाटर है, बहुत ज़्यादा सॉइल है, सैंड है, तो यू कैन टेक ए स्ट्रेनर, जैसे छलनी कहते हैं ना, चाय छानने वाली। दैट इज़ अ फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर, यहाँ हम ट्राई करेंगे कि फिल्ट्रेटिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ, अब किसी कपड़े से फिल्टर करने का ट्राई करेंगे। मैं छलनी की बात नहीं कर रही हूँ अभी, तो हमें ट्राई करना है कि वो छलनी काम करती है या नहीं। अगर वो नहीं करती है तो आपको कुछ और यूज़ करना पड़ेगा फिल्टरेशन के लिए। एक बहुत लाइट कपड़ा लेना है, देन फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ, ओके। इन अ पीस ऑफ क्लोथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वुवन थ्रेड, वुवन थ्रेड से जो बने हुए होता है कपड़ा वो लेना है, और उसमें थोड़े छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। दीज पोर्स इन ए क्लोथ्स कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर, ओके। आपको पता है ये सारे जो पोर्स होते हैं ये क्लोथ को फिल्टर करने का काम करते हैं, क्या करते हैं, क्लोथ को फिल्टर करने का काम करते हैं, अंडरस्टूड एवरीवन, ओके। फिल्टर करने का वर्क करते हैं। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, अगर पानी फिर भी मडी वाला है, तो इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेट बाई अ फिल्टर दैट हैज़ इवन, ठीक है, आपने ये फिल्टर तो किया कपड़े से पड़े, ओके, फिल्टर तो किया, अंडरस्टूड। अब कैसे किया कि इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाई अ फिल्टर दैट हैज़ इवन, क्या होगा, स्मॉलर पोर्स। अ फिल्टर पेपर इज वन सच अ फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। आपको पता है फिल्टर पेपर का भी यूज़ किया जाता है, आपने कभी देखा फिल्टर पेपर, उसका भी यूज़ किया जाता है समटाइम्स। फिगर 5.9 में हम देखेंगे, सी एवरीवन, दिस इज़ फिगर 5.9, आई विल शो यू, ओके, जस्ट अ मिनट, हियर सी 5.8 इज दैट एंड 5.9 एंड 10 फिगर सी। फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक कोन, आप इस तरह का कोन बनाने, टू मेक अ कॉन, ओके।
सो हियर फोल्डिंग अ फिल्टर पेपर टू मेक अ कॉन, इस तरह से आपको एक फिल्टर पेपर लेना है, अंडरस्टूड, एंड उसे फोल्ड करना है, अगेन इट फोल्ड इट एंड अगेन इट मेक अ कॉन। कॉन बनाने के बाद आपको इस तरह से फिल्टरेशन यूज़ करना है फिल्टर पेपर का। सी एवरी वन, यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ फिल्टर पेपर एंड आई विल शो यू वन वीडियो ऑल्सो, बट हियर इन योर टेक्स्ट बुक क्लियरली इज गिवन फिल्टरेशन यूजिंग ए फिल्टर पेपर। और फिल्टर पेपर को किस तरह से बनाना है उसका कोन, पहले उसको फोल्ड करना है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाफ फोल्ड करना है, फिर वापस उसको इस तरह से फोल्ड करना है, नाउ मेक अ कोन, ठीक है, अंडरस्टूड एवरी वन। सी सो हियर इट पैराग्राफ इज गिवर कि आफ्टर, सो लिसन, अ फिल्टर पेपर इज वन सच अ फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, ओके, एंड फिगर 5.9 शोज द स्टेप्स एंड इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। अ फिल्टर पेपर फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एज यू नो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, एंड इज फिक्स्ड इन टू अ फनल, ओके, इन फनल में फिक्स कर सकते हो, 5.10 फिगर में दिया हुआ है फनल में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फनल, फनल में आप उसको ऐड कर सकते हो, फनल इस तरह का होता है कोन टाइप का, ठीक है। अब सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट, सॉलिड पार्टिकल इसमें से पास नहीं होंगे तो आपका वो जो लिक्विड है, आपका जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, चाहे वो वाटर हो, वॉट एवर सब्सटेंस यू आर टेकिंग, एंड रिमेन ऑन द फिल्टर, इट मीन्स वो जो सॉलिड मटेरियल है इस फिल्टर में रिमेन रह जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फिल्टरेशन मेथड इज वॉट, हियर जैसे आप जूस पीते हो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट, हियर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली ट्राइड, ओके, फिल्टर्ड। हियर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प, ओके, उसमें जो पल्प्स होते हैं, मैंने बताया था ना जो गुठलियाँ होती हैं लाइक पल्प्स होते हैं, ओके, उसका अंदर मैंगोज के अंदर पल्प्स निकलते हैं या कोई भी चीकूज एंड ऑल, तो इसी तरह कोई भी आप फ्रूट लो या वेजिटेबल लो, यूजुअली फिल्टर किया जाता है बिफोर ड्रिंकिंग, ओके, एंड उसको सेपरेट किया जाता है उसकी सीड को, जैसे कोई भी चीकू है, चीकू की सीड आप खा सकते हो, नो, जूस में पी सकते हो, नो, ओके, मैंगो सीड है या कोई भी सीड है उसको नहीं खा सकते, इसीलिए उसकी सीड एंड सॉलिड पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। अंडरस्टूड, सो हियर द मैथड ऑफ फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेरिंग, ओके, कॉटेज चीज़ पनीर इन आवर होम्स, हमारे जो घर में चीज़ और पनीर होता है इस फिल्टरेशन का यूज़ किया जाता है, टू ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेरिंग कॉटेज चीज़, क्योंकि कॉटेज चीज़ पनीर को बनाने में, हमारे घर में जो पनीर बनता है उसको बनाने में भी हम इस फिल्टरेशन का यूज़ करते हैं। डू यू नो, यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड इन टू मिल्क, पहले मिल्क में थोड़े ड्रॉप्स डाले जाते हैं, ओके, लेमन जूस के, एज अ, उसके बाद उसको बॉयल किया जाता है, ये इससे पनीर बनता है। आपकी मम्मी या घर में आपके कोई भी पनीर बनाता होगा तो आप यू कैन आस्क, ओके, सो हियर दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड, ओके, ये क्या देता है, सॉलिड पनीर एंड लिक्विड का मिक्सचर देता है। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाई फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर, ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। सो ये जो है कि ये क्या देता है, मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड लिक्विड, द पनीर इज देन सेपरेटेड बाई फिल्टरेटिंग, पनीर को जो मिक्सचर है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, बाई फिल्टरिंग एंड द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर, और उस मिक्सचर को किसी क्लॉथ से या स्ट्रेनर से उस मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। अंडरस्टूड, तो दिस इज कॉल्ड फिल्टरेशन मेथड। मैंने आपको फिल्टरेशन के बारे में सब फिगर भी दिखाया है एंड हाउ टू डू फिल्टर सब्सटेंस, ओके, इन अ मिक्सचर, ये सब बताया ना। अब आपका एक और मेथड है, हमने कितनी सारी मेथड पढ़ी, वन बाय वन आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा हैंड पिकिंग, ठीक है, हैंड पिकिंग पढ़ा, ओके, एंड नेक्स्ट वन आपने पढ़ा थ्रेसिंग, ठीक है, थ्रेसिंग के बाद आपने पढ़ा सीविंग, ओके, सीविंग मेथड एंड ऑल, एंड फिर विनोइंग मेथड एंड डिकेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन मेथड। Now see everyone, this is sieving method is dot understanding sedimentation, decantation, filtration, everything I will explain, but previous video I explain already about sieving, okay, in the textbook, but here important practical, okay, video is there. In the process of sieving, the components of a mixture are separating using a sieve. सीव का यूज़ करते हैं किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को दूर करने के लिए, एंड द इन द वेरिएशन इन साइज और पार्टिकल्स, अ सीव इज अ वोवन स्क्रीन सच एज मैश और अ नेट,
आप देख सकते हो ये जाली की तरह होती है, कोई विभिन्न स्क्रीन होती है और किसी भी मिक्सर में से कंपोनेंट्स को अलग करने के काम आती है ये सीविंग। सीविंग कैन बी यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम सैंड एंड अदर एग्जाम्पल सीविंग टू सेपरेट स्मॉल साइज वीट्स फ्रॉम अ वीट ग्रेन। छोटे छोटे वीट्स होते हैं उसको अलग करने के काम आता है। दिस इज सीविंग मैथड इज सॉल्व एंड सीविंग इसका यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए स्टोन्स को। ओके, किसी सैंड जो स्टोन्स होते हैं उसको टेक सम पेबल्स विद सम फाइन डस्ट इन अ ग्लास, फिल 2x3 ग्लास विद वाटर एंड स्टीर इट विद अ स्पून। अच्छे से उसको पूरी तरह से स्टीरिंग करना है, हिलाना है उसमें पानी में, ठीक है, इस पेबल्स को। क्या ऑब्जर्व करोगे, सी हियर अलाउ टू इज सेटल डाउन। पहले इसको सेटल डाउन होने दो अच्छे से, ठीक है, नीचे की साइड। क्या नोटिस करोगे आप, सी दिस इज अ प्रैक्टिकल वीडियो, यू विल नोटिस दैट द लोवेस्ट पार्ट हैज़ पेबल्स सेडिमेंट्स वाइल द अपर लेयर ऑफ वाटर डिकेंट हैज़ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इसी चीज को सेडिमेंटेशन कहते हैं कि जो लोएस्ट पार्ट है पेबल से भर गया, सेडिमेंटेशन हो गया, एंड जबकि जो ऊपर की लेयर है वो क्या हो गई, डिकेंट हो गई, ठीक है, पानी का जो लेयर सब। ओके, एंड सुपरिंटेंड लेयर, ठीक है, ये जो आपने देखा ये है सेडिमेंटेशन। अब टिल्ट द ग्लास एंड स्लोली टेक द वाटर आउट, धीरे धीरे उसमें से बिना किसी सेडिमेंटेशन के मतलब डिस्टर्ब किए बिना आप उसको अलग करोगे, इसे कहते हैं डिकेंटेशन, अलग करना, अलग से जो सेटल हो चुका है उसे सेटल रहने दो और जो वाटर है उसको अलग कर दो। सो दीज मैथड्स आर यूज थ्रेसिंग विनोइंग हैंड पिकिंग सीविंग। ओके, और इनसे कौन कौन से सब्सटेंसेस सेपरेट होते हैं विल सी। नाउ सीविंग मैथड यूज पैबल्स फ्लोर पल्सेज स्ट्रॉ, टेक 10 grams of wheat flour and mix some dry pulses, few pebbles and few pieces of straw in it. सबको मिक्स कर दो, wheat flour, okay, dry pulses, few pebbles. Now take a sieve and put the mixture in it. अब इसको सीविंग लो, ठीक है, एंड उस मिक्सर को लो, सीव लिया आपने, ठीक है, एंड प्लेस अ क्लीन प्लेट अंडर द सीव एंड जेंटली शेक इट। इस तरह से आप छलनी से छानते हो, आपकी मम्मी देखती है ना, ओके, उसमें आटे को आप छानते हो इस तरह से, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि wheat flour passes through the sieve and but the pulses, pebbles and straw उसी में रह जाएंगे, ठीक है, left in the sieve। ये आपकी impurities है और ये flour है, you can see in this video कौन सी impurities और कौन सा flour है। आटा आपका एकदम clean आ गया, बाकी सब impurities ऊपर जमा हो गई। filter paper, filtration method as you know, filtration method भी मैंने आपको explain की थी। now here filtration method as you know, here first of all you have to make a cone, okay, and funnel you have to take, उस funnel में आप ये क्या रख दोगे, फिल्टर पेपर। नाउ बीकर इज देयर, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, बीकर इज देयर, अब आपका मडी वाटर है, सी दिस इज योर मडी वाटर, ओके, यू विल टेक दिस मडी वाटर एंड आफ्टर दैट यू विल पिट, ओके, यू विल फिल्टर बाई दिस फनल एंड इन दिस फनल एज यू नो दिस इज अ फिल्टर पेपर ऑल्सो इज देयर। नाउ पुट इट इन द बीकर, मडी वाटर है, ध्यान से देखना, दिस इज मडी वाटर एंड यू कैन डू दिस एक्टिविटी एज योर होम। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो यू कैन टेक बाय योर हैंड, आप अपने हैंड से भी पकड़ सकते हो। अब ध्यान से देखना है, इस फिल्टर पेपर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो कलेक्ट हो रही है, ओके, वो उस पेपर में सारी इम्प्योरिटीज़ कलेक्ट हो गई एंड आफ्टर डैट जो आपका क्लीन वाटर है वो आपको बीकर में दिखेगा और जितनी इम्प्योरिटीज़ है वो आपको इस फिल्टरेशन के मैथड के अकॉर्डिंग इस फिल्टर पेपर में, इसमें फनल में दिखाई देगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो दिस इज़ अ वाटर, फिल्ट्रेट वाटर, आपका पानी जो है वो फिल्ट्रेट होकर आया है और यहाँ क्लीन वाटर है, यू कैन सी इन दिस वीडियो। आपका जो सैंड है वो किस में आ गया, ओके, फिल्टर पेपर में। नाउ अंडरस्टैंडिंग लोडिंग इंक्रीजिंग, टेक अ बीकर एंड पोर 10 ml वाटर इन इट। कितना लेना है, 10 ml वाटर लेना है पहले तो आपको, इसे इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। मड लिया, एड मड इन इट, ओके, उस पानी में मड मतलब मिट्टी डाली, उसके बाद वॉट विल यू से स्टीर वेल एंड ऑब्टेन मडी वाटर, अच्छे से आप उसको स्टीरिंग करो। अब पूरा पानी क्या हो गया, मडी वाटर मतलब मिट्टी वाला पानी हो गया। अब इसमें डालना है एलम, ओके, तो फिटकरी कहते हैं, लॉन्ग कॉटन थ्रेड्स पकड़ के एलम डालना है जिसे फिटकरी कहते हैं, एंड बीकर सो इट डज नॉट टच द बॉटम, बॉटम को टच ना करे इतने तक उसको आपको हैंग कर देना है, पीस लेना है एलम का, ओके, यू विल ऑब्जर्व, यू विल नोटिस दैट एलम विल क्ले पार्टिकल्स इन वाटर कॉम्बाइन विद ईच अदर। अब उसमें जो क्ले पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि एलम मतलब फिटकरी होती है, ठीक है, जैसे लीजार्ड को भी भगाया जा सकता है। नाउ इन अ फ्यू मिनट्स मड विल सेटल डाउन एंड क्लियर वाटर विल बी कलेक्टेड ओवर द मड। अब आप क्या करोगे, वो जो मडी वाटर है, वो मड जो वाटर है वो नीचे डाउन हो जाएगा उस टाइम बाद और आपको क्लियर पानी मिल जाएगा। नाउ द फिल्टरेशन इज जनरली यूज टू सेपरेट
लिक्विड्स एंड सॉलिड्स यूजिंग अ फिल्टर, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं. तो यू कैन सी मेथड्स ऑफ सेपरेशन, फिल्टरेशन इज जनरली यूज टू सेपरेट लिक्विड्स एंड सॉलिड यूजिंग अ फिल्टर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अराउंड अस लाइक फिल्टर पेपर, डस्ट मास्क, राइस स्ट्रेनर, ओके, लिंट फिल्टर एंड कॉर्न इन क्लोज ड्रायर, स्टैंड स्ट्रेनर. एग्जाम्पल, फिल्टर पेपर इज लाइक अ सीव विद मैनी टाइनी होल्स इन इट. फिल्टर पेपर में बहुत छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं और वो एक स्ट्रेनर की तरह वर्क करता है. मतलब स्ट्रेनर मतलब जो छन्नी होती है ना चाय छानने वाली, उसे कहते हैं स्ट्रेनर, उसकी तरह वर्क करता है. तो फिल्टर पेपर इज़ लाइक ए सीव, आप उसको सीव भी कह सकते हैं. फिल्टर पेपर आप कहीं से लेकर आओगे ना, मार्केट में मिलता है फिल्टर पेपर, और आप उसके फिल्टरेशन के अकॉर्डिंग आप उससे मैथड से क्या कर सकते हो, अपनी सारी प्रोसेस करते हो. दिस मैथड इज़ अप्लाइड वैन द सॉलिड कम्पोनेंट्स इज नॉट सॉल्यूबल इन द लिक्विड कम्पोनेंट्स. ओके, इस मैथड को अप्लाई किया जा सकता है कि जब कोई सॉलिड कम्पोनेंट सॉल्यूबल ना हो किसी लिक्विड कम्पोनेंट्स में. इन ऑर्डर टू कैरी आउट फिल्टरेशन, टेक अ सर्कुलर शीट ऑफ फिल्टर पेपर, ओके, एंड फोल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन एज शोन इन द फिगर. द कोन इज फिटेड इन अ फनल एंड मोस्टेड so that it sticks to the surface of the funnel. Okay, you can see funnel mein aap isko add kar sakte ho is tarah se. This method I already shown in the textbook and here fold paper karke kaise banana hai sab pata chal jayega. Okay, filtration. Okay, is filtration mein aap dekh sakte ho ki funnel is placed on a flask. Okay, and solid liquid mixture is then slowly poured in the funnel. Wo jo aapka mixture tha with the help of a glass rod. ग्लास रॉड से आप पूरी तरह से इस एक्टिविटी में देख सकते हो. एंड दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इजी. इन दिस चैप्टर आई विल शो यू लॉट्स ऑफ एक्टिविटी एंड यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर जनरल बुक. जनरल बुक भी आपके पास होगी जिसमें एक्टिविटीज़ करनी है. फनल इज प्लेस्ड ऑन द फ्लास्क. ओके, अंडरस्टूड. मैथड ऑफ सेपरेशन बहुत ईजी है. फिल्टर पेपर, फ्लास्क, फिल्टरेशन, ओके, रजिस्ट, एवरीथिंग आर गिवन. नाउ लिक्विड कंपोनेंट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड इट इज़ कलेक्ट द फ्लास्क, वेयर एज कंपोनेंट इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर. जो बड़े बड़े सॉलिड कंपोनेंट्स हैं वो किस में हो जाएंगे, इसमें लेफ्ट रह जाएंगे. अंडरस्टूड मेथड ऑफ सेपरेशन एवरीवन. द लिक्विड कंपोनेंट दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, वाइल द सॉलिड कंपोनेंट दैट रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू. फिल्ट्रेशन इज जनरली अप्लाइज कॉम्बिनेशन विद द अदर मैथड्स. अंडरस्टूड एवरीवन. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.